उठा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। थोड़ा हलवा बचा लेना कल सुबह के लिए। यार तुमने अभी तक बैटरी चेंज नहीं की थी यार। कम ऑन यार, तो जो इसके नखरे ना मैं नहीं खा रही इस वक्त, पता नहीं अचार दे दिया तो नहीं खाओ भाई। बटर और ये भी दिया उन्होंने, वाइट ब्रेड। कभी जो इसने बोला कि अल्लाह तेरा शुक्र है आज अंडा अंडा भी 50 दिन में से नहीं सुना मैंने ये बात। हमरा पूरी पूरी तो भाई हमारे भाई को निकालिए, खाओ भाई खाओ, फिर ये मेहमान नवाजी याद आएगी। चाय में चीनी है? हाँ अम्मी ने बना के भेजी मेरी, मुझे पता है इसमें चीनी है। जैसे कल आप लोगों ने तीन लड़कों वाला प्लान बनाया था पैसों का, है ना? तुम्हें तो नहीं चाहिए ना कुछ भी? नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए। कॉपी कैट कॉपी जानवर, तुम ही निकल कर रही हो। तुम्हें तो चाहिए था, तुमने पता नहीं 6-25 का कोई लोगों को दिया था फिगर। ये कौन सा फिगर है 6-25? हाँ आई एम स्टिकिंग विद दैट प्लान, बट राशन का तकसीम जो है वो सिर्फ 3 लोगों में करते हैं। ऑयल है और अंडे हैं और ब्रेड है, जैम है और मक्खन है। ये किसने खाया आधा स्लाइस? ये मैंने तोड़ा था हाथ से। भाई पूरा क्यों नहीं खाया? उसको बताओ पहले पूरा क्यों नहीं खाया तुमने? वो सोच रही थी इस बारे में। फूड की हेड है हमारी, पूछो बताओ। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी इससे, दिमाग मेरा खराब कर रहे हो तुम सुबह सुबह। चुप कराओ इसको यार, तुम नहीं करो बराबर में। याद रखो कि अभी तुम्हारा ड्रेस आया नहीं, ऐसा ना हो कि अंदर आने से पहले ही इसमें कुछ मसला हो जाए। जी ये वो जगह है जहाँ हम लोगों ने आराम किया है इतने अरसे। बिल्कुल। और अली भाई, जुनेद, उमर, एडी, दानिश भाई, शुरू में मैं, बाद में राणा, शुरू में राणा, बाद में मैं। दानिश भाई की खराटों की वजह से मैं मजबूर हो गया और बहुत सारी जगह मैंने चेंज कर दी। दानिश भाई कोने में थे, उनकी खराटे टकरा के सब जगह गूंजती थी। इतना मेरे ख्याल से कहीं नहीं नाचे हम जितना सबसे ज्यादा यहाँ नाचे। इसकी जिम्मेदारी भाई ने संभाली हुई थी, मैंने संभाली हुई थी सुबह के साथ ही। फुल नाचे थे ये, पहले मुझे ब्लर दिखता था कि कोई नाच रहा है, चीज नजर आती थी, पता चला था जो नहीं है। ये वो जगह है जहाँ नमकियात नजर आएंगी अभी तक। एक बंदा बहुत टेंशन लेता था और रात को मुंह निकाल निकाल के देखिए हमारे आवाज में हम लोग को लेक्चर देता था अली भाई। अली भाई फिर वो शिफ्ट हुए वहाँ, तो वहाँ भी आपको नमकियात नजर आएगी। तो हमारे रूम की कंसिस्टेंसी यही है कि जिसकी नमकियात जहाँ थी वो वही है, वही मौजूद है, वही मौजूद है। बट जी यहाँ से बहुत सारी जगह से यादें वाबस्ता हैं, बहुत खराटे आए हैं ये हमारे चले जाने के बाद। आज रात भी मुझे लग रहा है कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से आवाज जरूर आएगी क्योंकि यहाँ दानिश भाई ने अपने खराटों को यहाँ समा दिया है, वो अपने चुन दिया है। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलेंस एंड वीट। आज फिनाले है, आज आखिरी दिन है इस घर में। और मजेदार बात यह है कि आज इन पांचों में से एक विनर होगा और थोड़ी देर में इनको पता लग जाएगा कि कौन जीता है। थोड़ी देर में मैं इनको दूसरे स्टूडियोज में ले जाऊंगा जहाँ इनके दूसरे दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं इनका, वहाँ इनसे बैठ के बातें होंगी। मगर उससे पहले क्या क्या होगा वो तो वहीं जाके पता लगेगा। थोड़ी देर पहले मैं इधर बैठा करता था, अब वो जगह नहीं रही तो मैं अब कहाँ बैठूँ? सर सर प्लीज़। नहीं 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 सर, ये सर, आप, नहीं, आपकी जगह, मैं इधर बैठ रहा हूँ, यह आपकी जगह। तो सबसे पहले मेरी कुर्सी यहाँ से बेघर हुई है, कैसा लग रहा है?
माशाल्लाह आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं. थैंक यू सर. तो कैसा लग रहा है आपको अब इस घर में आखिरी दिन? सर बहुत अजीब सी फीलिंग है, बहुत मिक्स फीलिंग्स है. अभी हम इसी तरह घर का पूरा सर्वे कर रहे थे, रूम से हमने स्टार्ट किया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सबसे एक एड्रेस हो रहे थे. यहाँ पे हम सोया करते थे, सबको बता रहे थे, हर एक चीज़ हमें यहाँ की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और ये हमारे साथ ही रहेगी, ये सारी यादें. मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगियों में अब ये ऐसी यादें होंगी जो कभी आप भुला नहीं पाएंगे इसको, ऐसा लगता है फैज़ान? एब्सोल्युटली सर, एक अनएक्सप्लेनेबल जर्नी है ये. मुझे ऐसा लगता है हम बाहर जाके कितने ही लफाजी कर लें लेकिन हम बयान नहीं कर सकते कि यहाँ से हम क्या कुछ लेके जा रहे हैं अपने साथ. तो आपको अवाम बादशाह ने तो जिता ही दिया है, अब जो वोटिंग हो रही है उसमें ये डिसाइड करेगा किसको ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, किसको कम मिल रहे हैं, और किसको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो सीज़न टू का विनर होगा. रूबा क्या लग रहा है? थोड़ा नर्वस भी हूँ बट होना चाहिए नर्वस. इट्स ओके. मुझे भी ऐसे ही लगता है कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं यही हमारी कामयाबी है, और हम पाँचों ही विनर हैं. अब जीतना तो किसी एक नहीं है, तो मैं जीतूँ या बाकी कोई भी जीते तो सबको बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड. ये दिल से बात कह रही है कि ये फर्जी तौर पे कहा है, जैसे हर कोई जीतने वाला कहता है अच्छा खेला मगर जीतना तो एक ना, तो मैं उनको मुबारकबाद देती हूं. नहीं, मैं दिल से कह रही हूं. जुनैद सर बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं, और अनएक्सपेक्टेड पहले भी हो चुका है यहाँ पे चीज़ें, और आज भी डर तो है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और लेकिन उम्मीद पूरी है कि अवाम ने वोट किया होगा, जब यहाँ तक पहुँचाया है अवाम ने तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही होगा. ऐसा लग रहा है कि सबकी शादियां हो रही हैं आज जिस तरीके से आप लोग तैयार हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऐसे ही लग रहा है? मुझे, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. मुझे पहले से आखिरी 49th डे तक ना सब फ्लैशबैक होने लग गया था, तो मुझे यही लग रहा है कि अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है. बिल्कुल, अब आप थोड़ी देर में बजर बजेगा तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि वो दरवाजा जिसके बाहर आपने आज तक इन दिनों में कुछ भी नहीं देखा है वो माहौल देखने को मिलेगा आपको, और बराबर वाले स्टूडियोज़ में आप लोग आ जाएंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जो जीते इंजॉय करे, और इंजॉय करने के बाद एक पार्टी दे सबको, ठीक है ना? ठीक है, सी यू. थैंक यू सर. थैंक यू. हाँ भाई, कोई आखिरी बातें अगर किसी ने कुछ कहना हो तो? भाई मेरी दुआएं सबके साथ हैं. सही है. विश यू ऑल गुड लक. और मैं चाहूँगा कि ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है, ये हमारा हमेशा ऐसा ही रहे. आमीन. इस शो में तो एक दूसरे को, और स्पेशली इस लास्ट वीक में एक दूसरे को जानने का और मौका मिला. फैजान के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा, बाकी सबके साथ तो था ही, तो मैं चाहूँगा कि ये बॉन्ड और ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहे. आमीन. मैं ये कहना चाहूँगा मुझे जितने भी लोग मिले, 14 कंटेस्टेंट जो भी थे टोटल, बहुत ही एक अमेजिंग बॉन्ड बना हमारे बीच में. बीच में लड़ाइयाँ भी हुई लेकिन ये एक घर का हिस्सा है, मुझे एक फैमिली मिली है, और मैं चाहूँगा ये फैमिली मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहे, क्योंकि इनके साथ मैंने जो 50 दिन गुजारे हैं वो मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 50 डेज थे, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसे 50 डेज या कोई भी ऐसा मौका आएगा दोबारा जब हम लोग एक साथ होंगे. मैं चाहता हूँ ये बॉन्ड जो है हमारा ऐसे ही बना रहे, और जो भी जीते खुशी में खुश होना चाहिए दूसरे की. यस. और दुख ना करें, आप लोगों ने 50 डेज यहाँ पे गुजारे हैं सबने, हमने तो. मैं चाहता हूँ कि सब खुशी खुशी घर जाएं, अच्छी मेमोरीज लेके जाएं, और किसी के दिल में कोई ग्रज ना हो, कोई नफरत ना हो, और इंशाल्लाह जो यहाँ से सीख के जाएंगे हम लोग अच्छी चीज़ें वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे इंशाल्लाह. और अब अनसेंसर्ड सुनो. मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको बेस्ट ऑफ लक. और मुझे खुशी होगी कि मैं जीतूं, और अगर आप में से भी कोई जीतेगा तो मैं उतना ही खुश होंगी, क्योंकि मुझे लगता है हम सब विनर हैं. yes. और मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं और बहुत अच्छे रिश्ते मिले हैं, तो मैं चाहती हूं कि मैं उन रिश्तों को कभी ना तोड़ूं. इंशाल्लाह मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ काम करके. कुछ के साथ मैंने पहले किया था, कुछ के साथ पहले नहीं किया था. आप सबको जान के बहुत अच्छा लगा, और सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा. और ऑनेस्टली तहे दिल से कह रहा हूँ, मैं जीतूं, जुनेद जीते, उमर जीते, नेहा जीते, अरुबा जीते, इट बी द सेम इन माय हार्ट, क्योंकि मुझे वही लगता है कि हम पांचों विनर्स हैं. उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 42-43 दिन एक तरफ, लेकिन ये जो पांच का बॉन्ड था ये बहुत अहम था, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें क्लियर भी हुई,
आप सब लोगों को जानने का मौका मिला। आप लोगों को मैं पहले से जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, उसको भी मैंने शुरू में ही, लेकिन उमर के साथ जो मेरे यार लास्ट के 5 दिन गुजरे हैं नेहा के साथ, मैंने बहुत इन्जॉय किया सर। गाइज थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि यहाँ के यहाँ से निकलने के बाद भी ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। आमीन। और मैं कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो, वाकई में सब विनर्स हैं, बहुत मुश्किल सफ़र था, सबने साथ काटा है, और जो भी जीते उसको दिल से दुआएं। और दूसरी बात ये कि जब हम अब बाहर मिलें तो हम इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलें जहाँ हम यहाँ पे रहे हैं। 3, 2, 1 We are the top 5! Yes! Hello, assalamu alaikum and welcome to Tamasha Season 2 Grand Finale. Presented by Bright, powered by Kashmir Banaspati and Cooking Oil, Dolins and Veet. Aaj ka din hai, jab announce hoga Tamasha Season 2 ka winner. 50 din tak ye contestant, sab kuch chhod ke, apni zindagiyan chhod ke, baghair script ke, apni life आपके सामने प्रेजेंट करते रहे, अपने मुख्तलिफ इमोशंस को दिखाते रहे, और हमने देखा कि ना फ़ोन है ना इंटरनेट है, खाने के बड़े मसाइल हैं, और आखिर में ये 5 कंटेस्टेंट जो आपके सामने हैं उनके दरमियान अब हमें पता चल पाएगा कि फाइनली विनर कौन है। लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 2 सभी के कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं और हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सा पैकेज। चलें पहले पैकेज लिखते हैं। ये तमाशा घर है, ये सारी बातें इसी घर की थी, इसी घर में शुरू हुई। जब आप बाहर जाए, चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा। लेजेंडरी आका, ये कौन है? गुलाब की तरह बादशाह। अपने काम पहले पूरे करना, फिर बाद में बात करना। तू कुछ बनाना आता नहीं है लोगों के बर्तनों में, इनके इश्यूज हैं। है तू रंगों से भी ज्यादा शोर रंगती, और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे ना मोरा जिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम्हारा माइक मेरे पास है, चीज केक कहा है मुझे बताओ, वरना तुम्हारा माइक कभी नहीं मिलेगा। अली बाबा सुन, तुम यहाँ भी वजीर बन गए यार। जो काटती हो ना, इससे 1400 इंजेक्शन लगेंगे किसी को। हम खुद डरे तेरे हाथ पैर फाड़ ले, डोंट यू डेयर, नहीं खेलेंगे ये, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे शेयर, देख तमाशा इनका प्यार। तुम्हें चले जाना चाहिए राणा, क्योंकि प्यार का नहीं बचा कोई बहाना। पेट में जाएगा तो ये तो होगा। आप दिल से खेल रही थी और यही आपकी जीत। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत कुछ लेके जाना अच्छा था सारा, और तमाशा का भाषा मजाक का बहुत शुक्रिया कि जिसने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। अपनी बेटी को बता सकता हूँ कि लड़ सकता हूँ सबसे।
ये था इन 14 कंटेस्टेंट्स का यहां तक का सफर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द शो लेडीज एंड जेंटलमैन बादशाह सलामत। बैठ जाएं आप लोग प्लीज। ये मैं कहता कहता रह गया मगर इनको अभी तक नहीं समझ आई। बैठ जाएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक। एक्सीलेंट शो, ग्रेट एफर्ट। कैसा फील हो रहा है ग्रैंड फिनाले आ गया? ये सब बड़े जबरदस्त लोग थे, बहुत अच्छा खेले। कुछ आपने देखी इनकी हरकत भी देखी मगर आई गेस ये होता है जब आप उनसे फोन छीन लें, इंटरनेट छीन लें और 10-15 दिन के बाद तो होता ही होता है। तो ये तो होता ही है। बादशाह सलामत, इजाजत है हमारे पांचों कंटेस्टेंट्स को बुलाया। आइए जी, हमारे पांचों के पांचों तशरीफ लाइए। सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा, देख तमाशा, सामने आ जा, देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा। और हमारे पांचों कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं। बादशाह सलामत, आपकी सिग्नेचर। बिल्कुल बिल्कुल। नशस्त आपका वेट कर रही। थैंक यू। एक बहुत ही खास गेस्ट हमारे सामने आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आसिम अजहर। You all are winners and you all look like winners today. Aur I think perform to karunga, lekin performance ke baad bhi ek performance hai. Wish you best of luck. Aasim Azhar. Ek drama hai ARY pe main ke naam se. Pure season mein main chal raha tha na sabka. To maine kaha aaj aap logo ko dedicate karunga na. गुजरी क्या क्या हम क्या कहें, पाए हैं गम खुशियों की चाह में। मैं बस मैं हूं और तुम हो सिर्फ तुम। दिल से दिल के किसे अब से खत्म। सभी मेरा सकूं मैं हूं, जिद भी जुनू मैं हूं, हर आरजू मैं हूं। नहीं मुझको जरूरत तेरी। हम बस नाम के
बस नाम के। मेरा बस चलता, मैं रोमांटिक हीरो का भी इनको अवार्ड देते। फुप्पो मेरे मास्टरमाइंड, मेरे मिस ने कॉपी जान बस, कॉपी जान बस। एंड द विनर ऑफ तमाशा सीजन टू इज पूरा सीजन देख के आया हूं। थैंक यू। और दो चीजें एक साथ लाया हूं, पब्लिक ओपिनियन और मेरा ओपिनियन। और मजे की बात यह है कि मुझे लगता है दोनों ओपिनियंस एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं, तो उसी खुशी में मैं लाया हूं आज हैशटैग अवार्ड्स। ओह नाइस, हैशटैग अवार्ड्स। और सबसे पहले मैं बात करूंगा लश्कारे से, मेरे शीशी। प्लीज। अच्छा मैं पहले ही बता रहा हूँ जी, नो हार्ड फीलिंग्स टू एनीबडी। पब्लिक ने कुछ नाम रखे हैं, वो अवार्ड्स मैं लेके आया हूँ, ठीक है। हो सकता है शायद कुछ मेरी पर्सनल फीलिंग्स भी हों उसमें, क्योंकि मैं शो का फैन भी हूँ। एक सवाल का जवाब पूछना चाहूँगा, मगर एक पैकेज के बाद। को हर्ट किया, आपकी बेटी को हर्ट किया, आपकी फैमिली को हर्ट किया, आपको हर्ट किया खास तौर पे। आपने मुझे पहले दिन बताया था कि मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए आया इतना रोते क्यों हैं? मैं इतना रोता क्यों हूँ? I think मेरा मानना है ये स्टीरियोटाइप है जो हमें ब्रेक करनी चाहिए कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी फील होता है, मर्द भी रो सकता है। I think हमारे माशरे में ये चीज़ कही जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन आई थिंक वही मर्द स्ट्रांग होता है जो अपने इमोशंस जो हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं वो बयान कर सके, वो एक्सप्रेस कर सके, और वो मर्द बहुत कमज़ोर होता है जो अपने जो फीलिंग्स हैं एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए मैं रोता हूँ। और जिस मकसद के लिए वो स्पीच दी थी वो तो करो, क्लैप तो करो। लेकिन मुझे इतना पता है आज जीतो या हारो रोगे तुम फिर से। और आज दिल से रोगे, इसलिए मैं आज आपको देना चाहता हूं रोतू अवार्ड। शीशे कैमरे में देख के स्माइल करें। रो इसमें कैमरे में देख के रो। कोई स्पीच ओ है, सही है सही है, क्या बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इतना रोया हूँ इसके अंदर, तभी जाके मुझे ये अवार्ड मिला। और मैं ऐसे ही रोता रहूँगा हमेशा, और ये अवार्ड हमेशा मेरे पास रहेगा, मुझे याद दिलाता रहेगा कि रोना है भाई, चुप नहीं रहना। शाबाश, क्या बात है जुनैद के लिए। थैंक यू, गिव इट अप फॉर जुनैद, गिव इट अप, गुड लक जुनैद, गुड लक। आई वांट टू स्पीक टू नेहा, गिव इट अप फॉर नेहा खान। हाउ आर यू? How are you? I'm good, I'm good. How are you feeling? Ah, oh, great. Overwhelmed. है ना? Extremely excited, yes. Awesome. घबराई भी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. BP तो नहीं लो हो रहा? नहीं नहीं, अब सही है. अच्छा, आपको पता है कि पब्लिक ने आपको आपको क्या लकब दिया होगा? I think drama boss. ये बात सुनो, बात सुनो, ये टॉक बैक इनको भी लगाया हुआ है। अच्छा, तो आपको पता ही है? हाँ, मुझे आइडिया हुआ था थोड़ा थोड़ा। ओके, अब ऑनेस्टली बताना कितना ड्रामा था और कितना सच था? नहीं, 99% जो है ना सच ही था वैसे। यस, डेफिनेटली यस। जुमला गलत बोल गई, कह रही 99% सच्चा ड्रामा था। 99% जो था वो सच था, 1-2% कहीं पे मैंने कहीं ओवर एक्टिंग थोड़ी कर दी थी। कोई एक इंस्टेंट बता दें जहाँ मेरी उंगली कटी थी, जो फर्स्ट वीक में जो था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं,
Yeah, that was all drama. That was like funny drama, cute kind of a thing. But yeah. I appreciate the honesty. वो drama भी है मेरे package में, सच्चाई भी है मेरे package में. तो पहले आपको package दिखाऊंगा और फिर आपको एक ड्रामेबाज का hashtag ड्रामेबाज award दूंगा. Okay. Please लगाएं. वाकई में बहुत तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं. लच्छेदार पराठे वाली वजारत. हम लोगों ने इतनी मेहनत की, टॉस जीते, बारह बारह घंटे खड़े होके कि खाना मिलेगा, खाना ये लोग इस तरह से छुपाते हैं, देख रहे ना आप लोग. इसे बाहर नहीं निकाले, जेल में है, कम से कम जवाब तो दे देना. आवाज नहीं आई, बजट कर रहे थे. पीनट बटर लिखा है, उमर से पूछे यार. हाँ मेरी पढ़ के देते तो पीनट बटर का दुख पड़ा. फूट आगे लेके जाए. जब तक ये पराठे भी बनाए, मैं नहीं खाती हूँ फिर भी बनाए, मेरे साथ ये करेंगे. मेरी विशेज हैं आपके साथ कि आप सब में से कोई जो भी सबसे डिजर्विंग है जीते, लेकिन अगर नहीं जीते तो इतने ड्रामे करें कि कोई अवार्ड वापस लेके जाए. गिफ्ट रखने आए एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड. थैंक यू. क्या बात है. अब मैं बात करना चाहूंगा उस खिलाड़ी की जो हर गेम जीता, लोगों के दिल भी जीता. जब वो गया तो सच में मैं भी रोया, और मुझे उम्मीद है कि काफी और लोग भी पाकिस्तान में और दुनिया में जहां जहां देख रहे थे रोए होंगे. अच्छा खिलाड़ी है, सच्चा खिलाड़ी है. बस एक दफा अनसेफ हुआ, लेकिन आज मेरा भाई सबसे हैंडसम लग रहा है. अवाम ने जो असल बादशाह, हम सबकी असल बादशाह है अवाम, उन्होंने आपको जिस लकब से नवाजा है और मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूं, वो है खिलाड़ी. थैंक यू. मैं आपसे बात करूंगा, बहुत दिल की बात मुझे आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे आपका पैकेज देखना है प्लीज. थैंक यू. मेरा बस चलता, मैं रोमांटिक हीरो का भी इनको अवार्ड देता हूँ. वो अब दिल की बात करूँ, पांच दिन बाद ना बड़ी मुश्किल से सेटिंग मुझे घर. अच्छा ब्रेसलेट रखा है? पेन की नहीं? वो मेरा लकी ब्रेसलेट था, जब मैंने दिया ना उसी हफ्ते मेरे से कोई गेम निकला. बट दानिश भाई, जोक्स असाइड यार, आपने जिस तरीके से खेला, कोई ऐसा शख्स नहीं था, मैं बाहर देख रहा था एपिसोड, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आपके जाने पे, जिससे एज ए व्यूअर हमें ना पता चला हो कि वो वाकई दिल से उदास थे. उनका भी थैंक यू. बादशाह सलामत कि मैंने जब जाके देखा तो लव यू सर, आपने जो इमोशनल और जो बाद में कहा था तो मैं खुद रोया था उसमें. और दिल फेंक भी हैं आप थोड़े से सर, समझा करो ना, वो करना पड़ता है. 50 दिन सर करना पड़ता है सर, 50 दिन भी तो है ना, करना पड़ता है थोड़ा. हाँ रौनक मिला भी तो करना, वो चलता रहना चाहिए. बट मैं आपको अवार्ड देना चाहता हूँ, आपको बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिलता है तमाशा का. क्या बात है दानिश भाई, आपने
पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, हम सबको आपने डेफिनेटली गलत प्रूफ किया कि जब हमने आपको पहले एपिसोड में देखा था हम सब डाउट में थे कि दानिश भाई कैसे खेलेंगे, लेकिन आज आप बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड लेके जा रहे हैं। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जहाँ खिलाड़ी की बात आती है वहाँ अनाड़ी की भी बात आ सकती है। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ नहीं करते थे और सब कुछ कर रहे थे और करवा भी रहे थे। अच्छा वैसे माशाल्लाह मैंने देखा है कि ये सीजन जो है ना बड़ा बादशाह सलामत, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट थी भाई इसमें। मतलब क्या नचाया, क्या कंट्रोल किए, क्या रुलाया, क्या भगाया। चलो खुद ही खड़े हो जाओ, किससे बात हो रही है। और भाई रूबा क्या हाल है? आ जाए रूबा, प्लीज रूबा, रूबा के लिए गिव इट अप एवरीबॉडी। वाटर ले आऊं आपकी पानी की? नहीं नहीं। चाय? कोई ड्रेस इस्त्री? नहीं, मैं शो देखता हूँ, मैं फैन भी हूँ शो का, ठीक है? तो मुझे इजाजत है ये बात करने की। मैंने पहले ही कहा था नो हार्ड फीलिंग, सही है? और माइक तो लगा है ना? जी लगा बस, ठीक है। तो एक बात, इतने मैंने अभी मजाक किया है, बट उसके अलावा, और ये मैं बैलेंस करने के लिए नहीं कह रहा, बहुत कम नाम है जिन्होंने तमाशा घर को असल में समझ के उसमें गेम खेली है, एंड अरूबा इज़ वन ऑफ देम। इस बात को यू हैव टू, आज वो फाइनल में खड़ी है तो वो खड़ी है, ठीक है? अब वो चाहे उसने पराठा किसी से मंगवा के करवाया हो, या किसी से अंडा मंगवाया हो, या जूतों के लेसेस बंधवाए हो, या अभी समझ गए आप, काफ़ी सारे काम हो गए थे, एक काम रह गया था जो उन्होंने कल करवा दिया। नेल पॉलिश लगाई, इन्होंने कहा उमर जरा ड्राई करना। ये सब कितने फखर से बता रहे हैं कि हमने ये नहीं, मैं यही तो आना चाह रहा था कि और मुझे तो बस ये डर था कि अगले बादशाह सलामत ना कुछ कर रहे हो। मुझे तो You've been a wonderful part of this season. और पब्लिक ने जो आपको अवार्ड दिया है वो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा इस पैकेज के बाद के लिए। आए अरूबा, चटनी बनानी है ग्रीन। मुझे नहीं आती बनानी, वो सबने बताई थी। बेस्ट काम चोर ऑफ द सीजन। लेकिन आसिम ये अवार्ड भी किसी और से रिसीव करवाएंगे, उठाना मुश्किल है, भारी होगा वो। मैं नहीं नहीं नहीं, ये अभी पिछले राणे कह रहे हैं फैजी को बुला लें। फैजी आप बहुत बातें कर रहे हैं, अभी एंड मैंने आपके लिए रखा है। मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं। आ जाए फैजी जुमा, आ जाए फैजी, मैं तो आपको मैं वो सही कर रहा था। जी जी लगा था मुझे। तो फैजी, जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड जो था अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, जिसमें शुएब मलिक भाई ने आके, मैं कहता हूँ पूरे सीजन का ना मेरे लिए एज ए फैन वो ट्विस्ट एक तरफ और पूरा सीजन एक तरफ, मेरे लिए भी आपके लिए भी। लेकिन मैंने आई थिंक इसको बता दिया था, अब तो आई हुई है ना भाभी, अब तो ये इंटरेस्ट होगा इधर उधर। अभी आऊंगा, सबर करो सबर करो। बट अरूबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट, गुड लक टुनाइट, प्लीज हैव अ सीट। खड़ा रहूं? आओ मेरे दोस्त। जी आसिम, कैसे हैं आप? कुछ भी बोलने से पहले बता मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी फुप्पो, मेरे मास्टरमाइंड, मेरे मिस ने, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। हाँ मुझे पता है, कह रही है। जी जी मैं नहीं कह रहा जी, मुझे मालूम। क्यों कह रही है वो दिखा देते हैं पहले। हाँ प्लीज आ जाओ दिखाएं।
छोटी पिप्पू, छोटी पिप्पू, बड़ी पिप्पू तो कुछ करती ही नहीं है। मैंने तो मिशेल को ना क्यों दी, मैंने कहा मिशेल अगर मैं तुम्हें वो दिन वाली बातें नहीं बताऊंगा ना बताऊंगा नहीं। ताशा ने कितनी दफा कहा था ज़ैनब और रूबा के कान भर, कितनी दफा कहा था तू आप अकेली चाय बनाती ग्लास बोलते हैं तो आप तबके खड़ी हो जाती, और कोई उसने भी कोई गलत बात नहीं बोली थी, तुमने चुड़ैल ही बोला था। मैं दही पराठा खाऊंगी। तो बोलो मैं भी खाऊंगी पराठा। अंदर जाओ उससे जाके जाओ ना यार, क्या तरीका है बस वो गलतियाँ करी जो अरुबा ने वजीर बन गया। हम अच्छे हो रहे हैं, लोग हमारे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। सही टाइम पे फैजी जी आसिम, क्या था ये? बहुत अच्छा पैकेज था ये। Popo of the season. मैं नहीं दे रहा अवार्ड ये। हाँ मुझे मालूम है। मैं नहीं दे रहा। तुम कल मैच में मेरे साथ ओपनिंग करोगे, रन आउट हो जाओ तो हैरान मत होना। I hope you learn from this. बाकी मुझे फैजी को इतना नहीं समझाना क्योंकि उसके लिए माहम आई हुई है और अम्मा भी आई हुई है, और मैंने अभी पीछे सबसे पहले कहा था, मैंने कहा देखो यार, मैंने कहा था मुझे घर में बुला लेना, ठीक है, घर में सारे अपने अपने होंगे, घर में जिसकी जितनी बिस्ती करवानी है, जितना प्रेस करवाना है करवा लेना, ये फैमिलीज के सामने ला के मुझे क्यों खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा आप सब छोड़े, अम्मा पहले चप्पल लेके आई हुई है। ऐसे ही है, मेरी वाली तो मार भी देती है फौरन। थैंक यू फैजी। कुछ ऑनररी मेंशंस भी हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, तो क्या सबसे पहला दिमाग में ख्याल आता है जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है? बादशाह सलामत आपसे मैं पूछना चाहूँगा। नताशा का नाम आता चाहिए। सबसे सुतरी वजारत नताशा, प्लीज। यार इस घर में ना मैंने देखा बहुत सारे नए टैलेंट्स, ठीक है, उनमें से मुझे नहीं पता था, उमर ब्रो आप बहुत सुरीला गाते हो यार एक्चुअली, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि तू इतना अच्छा नाचता है इशारों पे। दोस्ती थी, और दोस्ती में रिस्पेक्ट देना, अगर इशारों पे नाचना लगा है तो कोई बात नहीं लगा। ओह रिस्पेक्ट, तो उसके मुंह पे गिल्ट क्यों है इस वक्त? ही इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड अभी। मैं शाय पर्सन, मैं थोड़ा सा ब्लश कर रहा हूं। हां, वो कोई मसला नहीं, वो पहले दो हफ्ते भी कंफ्यूज था लेकिन किसी और के इशारों पे। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, उमर की जो सबसे अच्छी बात है वो रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की, ठीक है, और वो बाकी नहीं करते, बाकी सबकी भी करते हैं। नहीं नहीं, बाकी लड़के नहीं करते लड़कियों की रिस्पेक्ट, बाकी लड़के भी सबने की, ठीक है, सब ने, फैजान एज वेल, और नहीं की जिसने उसने आपने करवा दी। मतलब ये तो अच्छी बात है, जिसने नहीं की वो जेल गया, क्या बात है। हाँ वो जहाँ मुझे लगा कि भेज देना चाहिए तो वहाँ मैंने फिर जेल में भेज दिया। तो जब ज़ैनब जब एलिमिनेट हो गई थी, बात वहीं से शुरू करते हैं, तो उमर थोड़ा सा अपसेट थे, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अपसेट थे, और थर्ड वीक में तो उमर की मेरी उस तरह से बात नहीं हो पाई, बिकॉज मुझे लगता था कि ये अली सिकंदर के पास बैठ के और दानिश के पास बैठ के अपने दिल की कोई बात कर रहे हैं या कुछ भी। लेकिन फोर्थ वीक में मेरी एक्चुअली उमर के साथ जब दोस्ती हुई, हमने एक्चुअली पहले एक सीरियल भी साथ इकट्ठे किया हुआ है, तो मैंने उमर से दोस्ती करने के 10 मिनट के बाद ही ये बोल दिया था कि प्लीज़ उमर अब आप खुलना शुरू करें, आप जो हैं वो बात करना शुरू करें, आप एक्सप्रेस करें आप जो फील करते हैं सबके लिए। तो सही है, हाँ, तालियां, थैंक यू। क्यों मिस कर दिया आप उन्होंने यार? मैं कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँगा इनकी वजारत से। खौफनाक बच जाएगी एंड पे सबके एक एक कप के बाद, तो नेहा आप मुझे बताएंगी नताशा बच गई है, इनकी टसले मैं खत्म कराती हूँ आज। चीनी नहीं, मैं दूंगी एक्स्ट्रा, फ्रेंच टोस्ट नहीं बन सकते, पी के चाहिए। अच्छा ये बादशाह सलामत ने आपको कहा था कि आप जो कर रही हैं वजीर के साथ वो आप मुझसे कर रही हैं, और आज के बाद इस तरह की जो पर्सनल तूफान बदतमीजियां हैं वो किसी की भी वजारत में ना हो, खबरदार आप किसी ने कोई बकवास की तो, समझ में आया? क्या बात, क्या बात, शेर, नाइस,
और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी वजारत एक मिसाल बनी सबके लिए, तो आपको सब ने मिल के बेस्ट वजीर का खिताब दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्पीच का मैं नहीं कहूँगा, बट उसके बजाय मेरे लिए एक दफ़ा जाने से पहले आपने एक आइकॉनिक अपना वो जो आप कहें ना जानवर जानवर कॉपी वो क्या जो जो आप प्लीज अगर अगर इट्स अ रिक्वेस्ट कम ऑन नताशा प्लीज कॉपी जानवर भुक्कड़ चोरनी एहसान फरामोश बदतमीज कंटेस्टेंट एहसान फरामोश जर्मनी क्या बात है। इसके बाद नताशा बहुत जल्द आपको आपके करीबी इलेक्शन में नजर आएंगी, बट गिव इट अप फॉर नताशा एवरीवन, प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू। खैर, नताशा ने जो एंटरटेनमेंट दी वो एक अलग लेवल की थी, लेकिन एक कंटेस्टेंट ने शाइन किया, हंसाया घर में भी और घर से बाहर भी, रुलाया भी अपने जाने पे, और जिसे कहते हैं ना कि वो घर में रह के, ये मेरी अपनी राय है, आई होप आवाम की भी होगी, वो घर में रह के कंटेंट क्रिएट कर रहा था और मैं उस बंदे का फैन हो गया हूँ। गिव इट अप फॉर अली सिकंदर। द एंटरटेनर, एंटरटेनर ऑफ द तमाशा घर। और अली भाई, एक सेगमेंट था जिसने मुझे लिटरली हंसी के आंसू रुला दिए, और वो था जब आपने नेहा का ऑडिशन लिया था दानिश भाई के साथ। मतलब दैट वॉज प्रॉबली द फनीएस्ट मोमेंट फॉर मी एंड फॉर एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स इवन लिटिल बिट ऑफ पंजाबी ह्यूमर। दैट वॉज द फनीएस्ट सेगमेंट। बात करते हैं ऐसी कुछ झलकियाँ, पहले दिखाते हैं, आ जाओ। मछली बल्ला खिलाओ तुझको सिंधु दरिया के किनारे, में रहने वाले मेहमान नवाज हैं सारे। गाना ला दियो साहब बदर, मैं पूरी जेल नचदी वेखना चाहना वा, एना सारे सिपाहियों नू मैं अपनिया उंगला ते नचावांगा ताला पक्का लाते। मेकअप चोरी करन आले हो, कुड़िया दिया शक्ला उदास कर गए हो, आपस से एक दूजे नु पहचान नहीं पा रही। अरे तुम तो मेरी सहेली लग रही हो। अली भाई, आपने माहौल चुप के रखा और आपको जो अवाम ने अवार्ड दिया है वो है ऑफ कोर्स एंटरटेनर ऑफ द हाउस। थैंक यू सो मच। और आप लोग सब एंटरटेन हुए? स्पीच जो छोटी सी स्पीच जो इसकी देनी है ना, वो मैं चाह रहा हूँ वो आइकॉनिक अपना जो आपका मौला जट कैरेक्टर जो था ना, प्लीज। ऐसी बात की था मगर कोई नहीं मनिया। नताशा तेरी क्या बात है, आखिर तू सानू तड़पा तड़पा के अवार्ड भी ले गई, यानी सानू कख नहीं बचिया, और ऊपर तो फिर काफी रोटी पानी बच गया। लेकिन यार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। ऑलराइट गाइस, अली भाई एंटरटेनर ऑफ द हाउस, और इसी के साथ साथ मेरा टाइम खत्म होता है आप लोगों के साथ। आई विश, मैंने बहुत इन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे घर में भेजें, मैं आप लोगों से घर में मिल के आऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं आने दिया क्योंकि उनको पता था मैंने आके तिया पांचा कर देना सबका, तो इन्होंने मुझे एक तमीज से सेगमेंट में रखा। एंड द होस्ट इज हियर एज वेल, हमारा सीजन 3 शुरू होने वाला है। गाइज, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब, थैंक यू। बादशाह सलामत, आई लव यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और सिलसिला जारी है ग्रैंड फिनाले तमाशा सीजन 2 का, आज अनाउंस होगा विनर, लेकिन हमें यहाँ लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।
And the winner of Tamasha Season 2 is... And welcome back. आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले और आज अनाउंस होने वाला है हमारा आज का विनर. तमाशा सीजन 2 इज प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, डॉलिंस एंड वीट. एक अवार्ड रहता है और वो एक सिंगर से दूसरे सिंगर को दिया नहीं जा सकता था. तो आइए उमर शहजाद साहब, आइए. तो कुछ गुनगुना दे फिर आप हमेशा की तरह, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक अंदर दुख ना हो कड़वाहट नहीं गावे. यार आज जाके तो दुख कम हुआ है थोड़ा. अच्छा आज कम हुआ. जरा बाहर तो क्या सुना रहे हो? खराब आज. आज बादशाह सलामत सामने बैठे हैं तो सर आप ही के ड्रामे का. हाँ. मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो. मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो. ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो. मगर तुमसे सीखा मोहब्बत पे हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा. अच्छा जी, और हमारे साथ आज सीजन वन के बड़े जबरदस्त कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं. गुफ्तगू करना शुरू करते हैं कि करके नेगा जी क्या जी कैसा फील हो रहा है? नेगा जी क्या क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं? इन सबको देख के मैं एक साल पीछे चला गया हूँ. जो हम लोगों की उस वक्त फीलिंग्स थी, इस वक्त इनकी भी यही है. और मैंने पूरा तमाशा सीजन ये देखा है, सीजन टू. काफ़ी कुछ चीज़ें मज़ेदार भी थी. हम लोग जब तमाशा घर में आए थे तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि अंदर जाके हमारे साथ क्या होने वाला है. बट ये लोग जब तमाशा सीज़न टू वाले आए हैं, ये मेंटली प्रिपेयर्ड आए थे और ये सारा देख के आए थे. और जहाँ तक मुझे एक बात फील हुई है, सभी ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा प्ले किया है, लेकिन इन लोगों ने टास्क से ज़्यादा लड़ाइयों पे फोकस रखा था. जो कि मुझे लगा उनको समझ आ गया था कि लड़ने झगड़ने वाला ही ज्यादा दिखेगा. निगा जी लड़ाइयाँ तो सही था, आपसे भी बहुत लोगों की हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, मुझे कोई अगर छेड़ता था तब फिर होती थी. हाँ, अदरवाइज तो मैं चुप रहती थी. शुगर कंट्रोल. क्या कोई मीठी चीज खिला रहे हो? इतनी लंबाई के बाद मीठा ही बनता है. हाँ, बनता है. आप सुनाएं, आप अपना बाजा कहाँ छोड़ा है? आपको एक बात बताऊं कि आज के जो ये विनर जो पांच आगे बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, मेरी नजर में तो बाजू यही समझते हैं कि हम ही विनर हैं, लेकिन विनर तो एक है. वो तो एक ही होगा. ऐसे तो हम चार जब पिछले सीजन में बैठे थे तो हम चार भी यही समझ रहे थे. सही. आदि भी समझ रहा था, मैं भी, उमर. लेकिन अल्लाह ने उमर को इज्जत दी, ये नंबर वन आया. जिसका दिन होगा वो जीतेगा. पांचों के दिल की धड़कन है, मुझे पता है ना, क्योंकि ये ऐसा सीजन था जिसमें पैसे कम होते जा रहे थे. मुझे इसकी, ये अगर हमारे दौर में होता बादशाह, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते. कसम खुदा की, जिनको परवरदिगार हिम्मत दे, रब्बुल आलमीन, इतना हमसे ज्यादा टाइम गुजारा इन्होंने और नेहा बहुत अच्छी खेली. और आपको भी अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे, आप मेरा के बराबर में बैठे हुए. यार सदके जाऊं तेरे, यार खुदा की कसम. लेकिन आपकी आवाज सुमेरा हमने बहुत, मैं आज भी यहाँ से ये यार नाराज रहती है बिला वजह, मतलब नाराज. आवाज तो सुनवा दें, हम काफी दिन से
आप भी सुन लो, आपको भी इसका अजर देगा अल्लाह। मैं तो इससे इतनी यहाँ बैठ के 3 दफा सॉरी की मैंने इससे, लेकिन अरे बाबा वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप बेइंतहा लाल लग रही, खूबसूरत लग रही, बहुत अच्छी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू। सो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, एंड आई कैन फील के जो हमारे वो जज्बात थे जो हम लोग फील कर रहे थे उस वक्त, आई एम श्योर कि इनकी भी जो लाला सोलो बराबर टू शॉट नहीं है धड़क रहे होंगे इनकी भी दिल बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने साथियों से मिलके, जो नए दोस्तों से मिलके, बादशाह सलामत से मिलके, अपनी ARY की टीम के साथ मिलके, मायरा से मिलके। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। हाय हुमैरा, हाय, अच्छा लगा मिलके, क्योंकि अभी तक तो हम मिले ही नहीं। या we didn't even say hi to each other. मतलब उन्होंने होस्ट का वेट ही नहीं किया, तमाशा की फील में ही है माइक। वाह वाह क्या बात, क्या बात। आपको कैसा लग रहा है? कैसी है? बिल्कुल शार्प भाई, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, सेम गोज टू यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक दिस टाइम फॉर्मेट वॉज अमेजिंग। मैं अगर होती इस टाइम तो मेरे ख्याल में मैं पहले वीक में निकल चुकी होती। अगर आप होती तो एक दांत की जगह 4 दांत टूटे होते। भाई कमाल है ना, season 1 की आवाम भी मौजूद है और season 2 की आवाम भी मौजूद है। यार एक मिनट, आप क्या बार बार ये season 1 season 2 की बात किया जा रहा है ना? मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ season 2 की बात करें। नहीं, season 1 बेहतरीन था, बेस्ट था, सबसे अच्छा था। था, ये है। अरे नहीं, एक सेकंड, एक नहीं रहे तुम, आप कैसे कह सकते हैं? ये season 1 और season 2 का मुकाबला शुरू हो गया। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बात कर लेते हैं फिर। अब अगर तालियां निकल ही गई है तो फिर दूर तक जाएगी। चलो अपनों को सपोर्ट करो। Season 1, the entertainer of season 2. दोनों का मुकाबला है, round 1 fight. बात सीधी सी ये है भाई, हमारा सीजन जो था वो ज्यादा entertaining था, सही है ना? ज्यादा entertaining था, उसमें entertainment ज्यादा थी, ये बात समझ रहे हो आप? Entertainment थे, entertainer थे हमारे पास, रऊफ लाला थे, आदि अदी लमजद था, उमर आलम था, बॉस अरे हर बात में था 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 निकला हम में जी। अभी ताजा ताजा एंटरटेनर का अवार्ड किसे मिला भाई? अली भाई। अरे ताजा ताजा सिंगर कौन है? अरे भुक्कड़ चोरनी वायरल किसकी बातें चल रही है? ट्रेंडिंग पे कौन है? हम लोग। नताशा। लेकिन आप लोग बताओ, हमारे गाने हिट हुए थे यार। हमारा गाना था साडे नी वेड़े विच चानन माही दा, साडे नी वेड़े विच चानन माही दा, और फिर उसके बाद सारा सारा दिन किचन च लंघ जांदा है, आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन, आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। किसी को याद है कुछ आने वाला? अभी तुम्हारा हो गया कि कुछ रहते हैं? आए 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 हमारा आए। हर बारी केंद्र मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पास मैं ता जाना ही ना, हर बारी जावा हार मैं मंगा मेरा प्यार, मैं किदा किदा तरला करा। अरे उदास है। लेकिन 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 हमारे पास कोरियोग्राफर थे, डांसर निगाह हुसैन थे। ये हमारे पास दो दो कोरियोग्राफर थी। कौन कौन? नताशा उंगलियों पर नचाती थी, रूबा उंगली हिलाए बगैर नचाती थी। अब बता। हमारे पास आशिक था नुमान। तुझे हर कैसी में आशिक नजर आएगा भाई। हमारे लड़के इमोशनल थे, रोते थे। हमारा लड़का आंसुओं की मशीन है, बटन दबाओ आंसू आ गए, बटन दबाओ आंसू गए। अब देखना, जीता तो खुशी से रोएगा, ना जीता तो रोएगा ही रोएगा।
बिल्कुल सही। अरे हमारे पास सिंगर ये उमर शहजाद दर्द बॉडी वाले फुल बॉडी सिंगर हमारे पास भी फुल बॉडी सिंगल था आदि आदि लमजद आज तक सिंगल है बेचारा। उसने वो उनके भी कपड़े काट दिए होंगे बरातियों के जैसे इनके काटे इसका पिजामा काट दिया तो बात आगे बढ़ाते हैं। अब बात सीधी सी है कि भाई हम लोगों ने खाना खाया हमने खाना चुराया और बोलो हम लोगों ने बजट कमाया हमने गवाया पुराने के हाथों सारा का सारा। हम लोगों में सिर्फ एक चोर था हमें एक चोर के सारे चोर हैं वो है कौन था बादशाह सलामत ठीक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट खूबसूरत बाल बड़ी बड़ी आंखें अच्छी स्माइल अच्छी आवाज मरीहा सफदर थी सर हमारे पास क्यों नहीं थी यार आप टेंशन नहीं लो आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो आप उसके भी भाई होते यूनिवर्सल हो ना थोड़े तुम भाई के चक्कर पर्सनल हो रहे हो ब्रो नहीं सर आ गया क्या था और तुम्हारे पास बेटे मैं फर्स्ट सीजन का विनर हूँ अरे मत दिलो का विनर हूँ ताजा ताजा हमारे पास बादशाह थे हमारे पास बादशाह थैंक यू सर और अब मौका आ गया है कि हम गुफ्तगू करें अपने पांच जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनसे एक एक करके और साथ साथ कुछ पैकेजेस भी आपको दिखाते चलें। आइए फैजान सर पहले आपको दिखाते हैं आपका सफर वो करी फैजान को क्या हो गया मैंने कहा मैं साइड नहीं ले रहा मैं उसको समझा रहा हूँ जज्बाती ना हो तेरे बिना लगे ना मोरा जिया 6 घंटे के लिए तुम जेल जाओगे अब मैं बैठा हूँ यार आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ इसमें पर्सनल नहीं हो मैंने 4 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जिसमें नताशा थी जुनैद थे मिशेल थी इस बच्ची को क्लास से बाहर निकालो बदतमीज बच्ची है निकालो क्लास सर हैप्पी बर्थडे डियर फैजान द गेम्स बिगिन देख तमाशा सामने आ जा देख तमाशा इनकी बैंड बजा के यार फालतू बनाओ आलू अब क्या हो गया बेटा आपने किसको बोला जब नताशा और अरुबा का मसला था वहां से सामान कैसे उठ गया तब तो आप नहीं है बीच में देखा मैं सिर्फ अपने 3-4 लोगों के लिए बना रही हूं किचन आप भी नहीं चीख सकती इस घर में मैं भी चीख सकता हूं रेल भी चीख सकता है और मैं भी चीख सकता है इसलिए आप चीख जा बच जाए कैसा था 50 दिनों का सफर ऑनेस्टली जब ये शो ऑफर हुआ था तो आई थिंक 5 मिनट में हाँ बोल दी थी मैंने और बाद में जब घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा क्या सोच रहे थे और फिर काफ़ी लोगों ने समझाया कि इट्स नॉट ईजी और जितना हम आपको जानते हैं दिस इज़ नॉट योर बॉल गेम और तुम वापस आ जाओगे लेकिन एक ऐसा शख्स था जिसने मुझे कहा कि स्टार्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ दिस इज़ द टाइम आप लाइफ में ऐसी जगह पर हो जहाँ यू कैन टेक योर चैलेंज एंड मैं आपको फिनाले में देखती हूँ तो मैंने कहा आप मेरी बीवी हैं आप मुझे फिनाले में ही देखेंगी लेकिन और वो मैं जब उससे डिस्कशन करता था वो मुझे कहती थी मैं आपको फिनाले में देखती हूँ और जिस तरह जर्नी शुरू हुई पहले 2 वीक्स तो कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है लेकिन फिर मैंने ख़ुद को समझाया कई दफ़ा कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा ये एक क्राउड में खातून बैठी हुई हैं उनके लिए कर रहा हूँ सो दिस वॉज फॉर यू माहम एंड घर जाने से पहले ऐसी बातें कर लेते हैं जी जी मैं यही करने वाला था अगर आप आज जीत गए तो क्या होगा और खुदा ना खास्ता ना जीत पाए तो क्या होगा जीत गया तो एक और खातून उनके बराबर में बैठी हैं जिन्होंने गाड़ी का वादा लिया हुआ है उनको गाड़ी दिलानी है ठीक है ये तो बात डन है और अच्छा अगर नहीं जीता तो मैं इन लोगों के इतने क्लोज हो चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जीता हूँ इट्स ऑल राइट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है
सर थैंक यू थैंक यू. आइए अरुबा, आइए आइए अरुबा उठाऊं. आइए आपका सफर. ओह इंसान को सच्चा होना चाहिए. कोई बात नहीं, कभी जीतोगे कभी हारोगे. बाकी सब भी देख रहे ना और सब भी बोल रहे, एक इंसान उल्टा चल रहा है, मैं क्या करूं? उमर कितना ठंडा मिजाज आदमी है, चढ़ गया था ना नेहा के ऊपर. हर इंसान की पेशेंस की आदत होती है. दरवाजा बंद करो इसका, बाहर आओ नेहा. कल से मेरे हिस्से की कोई चीज सर पे डालू या इनको खिला दू. चाय का क्या चीज है, चाय चाय नहीं, आप नहीं सॉल्व करवाए ना, आप नहीं सॉल्व करवाए. मुझे ऑर्डर करेगी दोनों दोनों बराबर है. तो मुझे बता दे, मैं भी उसकी तरह लॉक में रख रही थी अंडे. वजारत क्या गई है मेरी, यहाँ तो बाजी पलट गई है. क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है अब तक 50 दिन का? मुझे तो मैंने जो कुछ भी किया दिल से किया और बहुत अच्छी फीलिंग है. तो मैंने कोई भी, मैं यहाँ सोच कर कुछ नहीं आई थी, बल्कि आने से पहले मुझे था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो इसलिए बस जो दिल में आया वो कर डाली. सही, दिल की सुनिए आप जी. और दिल क्या कह रहा है आज? दिल कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, दिल की धड़कने तेज है. और अगर विनर हुई और अगर ना हुई तो दोनों कंडीशंस में क्या? विनर हुई तो बहुत खुशी होगी, और अगर इनमें से कोई विनर हुआ तो उनकी खुशी में खुश होंगी. उमर शहजाद सर, आइए आपका पैकेज देखते हैं जी. कैसा रहा सफर? चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली होगा बीमार ना तेरी. आका मेरे आका का बड़ा मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ, हट जाओ, खबरदार हमारे बीच में बुलाया तो. मेरे आका आगे भाई, बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का माहौल है ये सिर्फ नताशा अकेली घर में होगी, बाकी सब हर टीम में एक गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. क्या हो गया? तुम पीछे प्रोटेक्ट नहीं करोगे? नहीं नहीं क्यों करोगे? ऐसे ऐसे आयो फिजिकली फिजिकली फिजिकली. ओए ए ए ए नो पुशिंग, रास्ता ब्लॉक कर रहा है, मैंने भी वही किया. लेट क्यों रहे हो उसके ऊपर? हाउ डेयर यू टच मी. खवातीन को समझना ही कोई, आपको पता है ना चांद पे बंदा पहुंच जाएगा, खवातीन को नहीं समझ सकते. आप मुझे तरीके से जवाब दोगी, सबको पता है तुम गेम खेलती कैसे हो और उसके बाद रोती हो. रो तू मुझे ऐसा लगता है आई एम केपेबल इनफ. अगर मुझे वोट मिलेंगे तो मैं आगे देखने वालों को और बाकी आई गिव माय बेस्ट और उनको मैं लेट डाउन नहीं करूंगा.
मॉडलिंग करते रहे जी, एक्टिंग की, एक फिल्म भी की हमारे साथ, दोनों साथ साथ में फिल्म की। कैसे आपको जहन में आया कि जी आप कर सकते हैं रियलिटी शो, और अब आज ये फुटेज देखकर कैसा फील हो रहा है? रियलिटी शो मेरा पहला था, तो मैं कुछ भी सोच कर नहीं आया था, कुछ भी प्लान करके नहीं आया था। तो बस मैं आया और मैंने कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा, और सबके साथ वैसा ही रहा पहले दिन से आखिरी दिन तक, जो किया दिल से किया, खेला भी दिल से। तो जब एक दफ़ा एक चीज़ में आप आ गए हैं तो फिर मेरा ये होता है कि आई विल गिव माई बेस्ट। और जो कुछ आपने यहाँ रहते हुए मिस किया उसकी वैल्यू का एहसास हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए यही था, सारी चीज़ें मुश्किल थी, जाहिर सी बात है, नए लोगों के साथ, सिर्फ कुछ लोगों के साथ काम किया था, बाकी सबके साथ एक पहला एक्सपीरियंस था, साथ रहना, साथ खाना, साथ में एक यू नो टास्क वगैरह खेलना, सब कुछ अपने आप को से, तो वो इट्स ऑल टुगेदर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और सबसे ज़्यादा मेरी अपनी फिटनेस को लेकर, मुझे नहीं पता था कि जाकर पॉइंट्स आपको करने होंगे, गेम का फॉर्मेट होता है, मुझे जाने के बाद ही पता चला। तो लेकिन ये कि हर चीज़ में एक एडजस्टमेंट करनी चाहिए, तभी आप में पेशेंस आते हैं और तभी आप इस गेम को सही तरीके से खेल सकते हैं। And the winner of Tamasha Season 2 is... Aayi Neha ji, aayi. Hum isse pehle ki aap se baat karein, aayi aapki puri journey dekhte hain, safar dekhte hain. Sure. मुझे एलर्जी है उसे अनियन से, तो मैं बॉयल्ड अंडा ही खा सकती हूँ। कुछ और नहीं, पूरा ग्रीन का कुछ और खा लूँ दुपट्टे में। नहीं कोई नहीं है, मैं कहूँगा ये चिड़ियाघर दास को, ये चिड़ियाघर कितने मजे के हैं। लालू खेत से लिप्स बनवाने वाली चुप रही, दिमाग ही नहीं है। विड्रॉ कर रही हूँ इस गेम से, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। नहीं, जो भी करते तो मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो मेरी माँ। सबको पता है कौन रोता है, अभी वोटिंग करवाऊंगा ना, सारी उंगलियाँ यहीं पर आएंगी। कौन रोता है यार? हर वक्त जेलस होंगे, कुड़ कुड़ के ये काली होके जाएगी यहाँ से। की जिंदगी में मुझे कोई पावर फील नहीं हुई, स्ट्रेस ही फील हुआ है वजीर के ऊपर। लच्छेदार पराठे वाली वजारत, ऊपर से फलांग के आई हूँ। स्पाइडर गर्ल, ये स्पाइडर गर्ल उड़ के आई, स्पाइडर गर्ल। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो बोल रहे हो हमने तोड़ा है तुमने, अपने अपने उसमें रहो ना बाप। नया 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 करने आई हो यहाँ पे? जीती और अगर ना जीती, दोनों सूरत हाल में क्या? मेरी टास्क परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कहीं कहीं मैं वीक हो गई, लेकिन मुझे वोटिंग से जो है लोगों ने बचाया है, तो मुझे लगता है कि उनको कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर नज़र आ रही थी मुझ में। प्रॉबेबली दे लव्ड मी सो मच, सो यस। जिस दिन आपने बाल सीधे किए थे वो फुटेज देखी आपने? और अब हम बुलाते हैं जुनैद को। जुनैद, आपका सफर दिखाया जाए जी। बिल्कुल दिखाया जाए।
वेट है इस चीज़ सफर देख के तो नहीं रोएंगे ना क्या पता अपनी गेम उठा जा लेवल नहीं है ये नेहा मैं तो कह रहा हूं फोरहेड पे लेके आए मैं इस मामले में पढ़ने नहीं जाता इनको मुझे भी नहीं पढ़ना है लड़ना है कत्ल करना है दूसरे को अच्छा है वो करती ना तुम बनाओ आराम से जुनेद मैं वजीर हूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लेट मैं नहीं दे रहा चलें फिर बाकी जेल में बैठे आप मैं जाके खा आप अंदर जाके खाएं मेरी मर्जी मैं जा बैठी खाऊँ अब मेरे पर उंगली उठा के कोई इस घर में बात नहीं करे ये ले डाइन तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने ये सिखाया है ये सिखाया है तुम्हें ये अम्मी पे जा रही है घर वालों पे तुम अपनी बहनों को भी ये कहते हो बड़ी बहनों को तुम आए हैं तुम फेक हो रहोगे यहाँ पे तुम क्या समझते हो तुम काम नहीं करोगे तुम कहोगे मैं वजीर बन जाऊँ क्या सीनियर जुड़ने लगाया हुआ है किसने कुछ बोल दिया जी मैं सीनियर हूँ मैं सीनियर हूँ मैं सीनियर हूँ क्यों आज कौन सीनियर है यहाँ पे नहीं आ रहा था यहाँ पे थैंक यू फॉर द अमेजिंग फूड टेक केयर यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे ब्रो हैप्पी बर्थडे भाई बस अनाज का सोचो फाके नहीं करने 13 रोटियां दे दो अब तो दाल भी नहीं मांग रहे मैं हूँ अगला वजीर जब ये जाके खड़ा होगा ना मेरे जूते पहन के तो इसे पता चलेगा कि यार कौन सी जगह बची है जिधर से वो काट नहीं रहे आपकी बजावत में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए मैं इस बात को मानता हूँ I'm really sorry मैं माफी मांगना चाहूंगा तानिश भाई से अरे ना करना बड़ी मुश्किल से रोता हूँ नहीं शीशी नहीं नो शीशी कौन कहता कराची में पानी की कमी है यार भाईजान बड़ा कोई इमोशनल आदमी है यार चीजें ऐसी हो जाती थी कि रोना आ जाता था हैशटैग भी मुझे मिला रोतू का और सही मिला मुझे मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा मैं इमोशनल बनना हूँ और मैं रहना चाहूंगा yes! फुटेज देखी इतना सफर देखा आज आपको पता है एक विनर अनाउंस होना है और फैसला किसी तरफ भी हो सकता है बिल्कुल क्या इस वक्त जज्बात है क्या फील हो रहा है सबसे पहले तो जर्नी की बात करूंगा कि जर्नी बहुत अच्छी रही मैं जब यहाँ पे आया था मैंने सोचा था कि मैं शायद एक हफ़्ता यहाँ पे रह लूँ क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं लेकिन जब यहाँ पे मैं आ गया फिर मैंने यही सोचा कि मैं आ गया हूँ तो मैं यहाँ से जीत के जाऊँगा लेकिन इस पूरी जर्नी में मुझे जो लोग मिले इतने ज़बरदस्त टैलेंटेड लोग मिले मुझे इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और एक मुझे फैमिली मिली यहाँ पे इन सब की सूरत में तो बहुत अच्छा टाइम गुजारा लड़ाइयाँ भी हुई हैं क्योंकि घर में होते हैं तो लड़ाई भी होती है हंसी मजाक भी होता है रोते भी हैं तो वही एक फैमिली थी मेरी और बहुत अच्छा टाइम गुजारा यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जो अच्छी चीज़ें हैं मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ इन सबसे तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना करूँगा उसको पब्लिक की वोटिंग आ चुकी है हमारे पास और आप सब ये समझ रहे होंगे कि ये काम मैं करूंगा मैं इतना पागल थोड़ी हूँ बादशाह सलामत आइए भाई आपका दरबार है ये हमसे ना होवेगा बैठ जाए प्लीज आप लोग प्लीज बैठ जाए आप लोग अब क्योंकि ये बादशाह सलामत मैं ही हूँ और मुझे ही बताना है आपको तो ये बड़ा मुश्किल काम है हाथ पकड़ लें इस पांचों
तो अभी मैं वो नाम लेता हूँ जो इस रेस से बाहर जा रहा है। तो वो नाम है फैजान आजम। आप 50 दिन रहे, कमाल खेले, मगर इनकी तरह आपका भी सफर यहीं खत्म होता है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। प्लेजर प्लेजर प्लेजर। थैंक यू सर। वेल थैंक यू सर। खेल है, हार जीत तो होती है। मैं तो आया था तुम्हें समझाने के, डील कर लो। है डील, याद है मुझे। हलफ भी दिलवाया था। वेल प्लेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेस्ट प्लेड। बेस्ट प्लेड। थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फैजान का सफर यहीं तक था तमाशा सीजन 2 में। हमारे पास हैं 4 कंटेस्टेंट। बड़ा इमोशनल मोमेंट हुआ हुआ इस वक्त, बड़ा हैवी है सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि इतनी मेहनत, इतने इमोशंस, इतनी जर्नी हमने देखी, और आगे भी एलिमिनेशन का ही सिलसिला है। 4 कंटेस्टेंट्स। बादशाह सलामत, पहले तो ये बताएं कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही, और अब जो हम मजीद करने जा रहे हैं उस वक्त आपके क्या इमोशंस हैं? इस पूरी जर्नी में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख होता है ना, जब मुझे किसी को घर भेजना होता है, ये बड़ा टफ टाइम होता है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, इनके लिए भी होता है, और जो इनको पसंद कर रहे हैं लोग उनके लिए भी होता है। अब किसी एक के दिलों की धड़कनों को मैं थोड़ा और नॉर्मल करता हूँ उसको एलिमिनेट करके। उमर कौन लग रहा है? नो आइडिया। जुनैद? सर कोई आइडिया नहीं है। नेहा? सर कोई आइडिया नहीं है, सीरियसली कोई आइडिया है ही नहीं सर। तो चले मैं आसानी पैदा कर देता हूँ। नेहा प्लीज कम। आपका सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जी सर। आप इस घर में आई, आपको कोई भी नहीं जानता था, अगर जब आप इस घर से जाएंगी, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया आपको अब जानती है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। वेल प्लेड। थैंक यू। यू मिस इट। वेल प्लेड नेहा। वेल प्लेड। और अब बचे हैं 3 फाइनलिस्ट, और एलिमिनेशन का सिलसिला जारी है आपके वोट्स के हिसाब से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास एक परफॉर्मेंस है। अच्छा, तैयार हैं आप लोग? द एंटरटेनर ऑफ तमाशा सीजन 2 अली सिकंदर। अली भाई, अली भाई। चक्कर में आया सारे बोले मुझे फेंक, कहते काट डालो ये है शातिर सा कोई स्नेक। कैसे मैं बताता दिल खोल के दिखाता, मकारी वाला यारो मुझे रास्ता ही नहीं आता। सीधा हो लोगे पंगा तुमको पड़ जाएंगे लाले, देखो दिल जीतने आ गया फिर से अली सिकंदर इन फिनाले। तो दोस्तों, हम सब के लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। जो मैंने देखा, महसूस किया, वो तहरीर किया, और आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं हमारी जिंदगी के इस सफर का सफरनामा। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, घुटका तू दर बदर अब संभल जरा सा। किस्मत मेरी बोली अब देख तमाशा, घुटका तू दर बदर बदर अब संभल जरा सा। इस घर में आए खुद खुद से मिले हम, कई बार गिरे हम, हर बार उठे हम। यही तमाशा तमाशा कदर मचा जा, मचा जा दिखा दे सबको दिखा तमाशा। यही तमाशा तमाशा कदर मचा जा, मचा जा दिखा दे सबको
जीते टास्क गई। मिली जिसको वजारत आई उसकी शामत, लूटे ना हमसे कभी बादशाह सलामत। कुछ साथी बाकी कुछ मेला छोड़ गए, देखे जो सपने और वो सब तोड़ गए। यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको दिखा तमाशा। यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको दिखा तमाशा। नहीं जाना मैंनू तुसी ना फोर्स करो, हारा नहीं जित्या मैं उड़ना अफसोस करो। यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा आ खुद से लड़ ले दिखा तमाशा। यही तमाशा तमाशा गदर मचा जा दिखा दे सबको। And the winner of Tamasha Season 2 is... Welcome back. आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 2 ग्रैंड फिनाले प्रेजेंटेड बाय ब्राइट एंड पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल डॉलेंस एंड वेट। मैं हूं मुहिब और हमारे साथ हमारे बादशाह सलामत मौजूद हैं। क्या सूरत हाल रही अब तक और आप अब कैसा फील कर रहे हैं ब्रेक के बाद? फैजान, नेहा, आप लोग हारे नहीं हैं, ट्रस्ट मी, आप लोग विनर्स हैं। और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से तमाशा का सीजन 2, एक और हमारा शो है जिसका सीजन 2 आने वाला है। एनी गेसेस? अल्टीमेट मुकाबला सीजन 2, लेट्स वॉच सम क्लिप्स। Looks exciting. Very good. किसी एक को इस रेस से बाहर करना है। आप तैयार हैं? आपका दिल तैयार है? मेरा दिल बिल्कुल तैयार है, मगर मेरी जबान साथ नहीं दे रही। तीन फाइनलिस्ट और इनमें से एक इस रेस से बाहर होगा। तीनों बहुत अच्छा खेले और मज़ा भी आया। अब वो नाम बताऊंगा इस रेस से बाहर। उमर आ गए। I'm really well made. Thank you, sir. I think अगर इस घर में मैंने किसी को बहुत ही कंट्रोल देखा है, अपने गुस्से पे काबू पाते हुए देखा है, सारी टास्क बड़ी तरीके से खेली, दैट वाज उमर। उमर ने सबका साथ दिया और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि उमर एक वो कंटेस्टेंट थे इस घर में जिनकी किसी के साथ ऐसी लड़ाई नहीं हो जिससे किसी को बुरा लगाओ। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर। खेले भी, आपको हंसाया भी, गाना भी गाया, आपके इंस्ट्रक्टर भी बने, मगर उमर सर बड़ी ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि वेल प्लेड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इट्स अ रियलिटी शो। यस, यू डिड वेल। थैंक यू। जी जी।
मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिस इज माई अवार्ड, दिस इज माई अवार्ड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और कुछ गुफ्तगू मौके की मुनासिबत से हो जाए. दो कंटेस्टेंट्स, दोनों में से कोई एक विनर है. भाई मैं तो डील लेकर आया था. अभी भी डील दे सकता हूं मैं, सोचे नहीं. बादशाह सलामत की इजाजत से नहीं, फायदा नहीं है. क्यों? कल जब मौका था तो मानी नहीं. कितनी बार हमने कहा कि हम चार लोगों के साथ मिला बन के ना टीम बना लो. इसने थोड़ी, करना थोड़ी सी मैच करो. अभी भी कोई हाथ से नहीं गई ये डील. अब तुम्हारे इस कहने के बाद मैं ये डील नहीं बनाऊंगी. या तो मैं जीतूंगी या मैं हारूंगी. स्टार रुबा, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के कोई भी हार नहीं सकता. ये सब जीते हुए और इससे पहले कि हम एक सीरियस मुद्दे की तरफ बढ़े, हम थोड़ा सा माहौल को जरा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं. और एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है हमारे पास. बेहतरीन खिलाड़ी अम्मी मुझे दानिश. मैंने बोल दिया है बर्तन तीन टाइम के तुमने धोने, और अगर नहीं धोए तो जेल जाओगे. और एक बात सुनो मेरी मिशेल, जब तुम्हारा कोई मसला नहीं होता तो तुम बीच में क्यों बोलती हो? तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम उरुबा की बात मानती होगी तो तुम भी जेल जाओगी. और उमर देखो, खाना हमने जीता है और मैंने इन सबको बोल दिया है कि मैं किसी को भी अपना दोस्त बना लूँगी और किसी से भी खाना शेयर कर लूँगी. लेकिन तुम अपने ध्यान में रखना कि तुमने क्या खाना है. सही है ना? और हाँ, ये तो गई नताशा. अब मैं आपको लेके जाता हूँ नेहा के पास. बाईस वजीर, बाईस वजीर, हमारा हमारा वजीर कैसा ना हो, राणा आसिफ जैसा ना हो. हमारा वजीर कैसा ना हो, राणा आसिफ जैसा ना हो. राणा आसिफ अंडे चोर, राणा आसिफ अंडे चोर, राणा आसिफ मुर्गी चोर. मेरे अंडे वापस करो. ठीक है, ये लो ना. मुझे अकेला छोड़ के सब मिल जाते और मेरे साथ कोई बात नहीं करता. अम्मा अम्मा अम्मा, देखो ज़ैनब तो चली गई ना, तो तुम मेरे साथ बात करो ना अम्मा. देखो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी अम्मा. प्लीज मुझे थोड़ा वर्कआउट करवाओ ना अम्मा. ग्लूटेन, मैंने ग्लूटेन खाती हूँ तो मैंने क्या कसूर. मैं पराठे नहीं खा सकती. मैं बाहर से आई हूँ, मैं दुबई से आई हूँ. प्लीज मुझे मेरी जर्मनी से मिलवा दे. मेरा बच्चा है, वो सबके बच्चे आ रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं आ रहा? प्लीज मुझे जर्मनी से मिला ले. सॉरी. और अब बचे हैं दो फाइनलिस्ट, अरूबा मिर्जा और जुनेद जमशेद. और वो वक्त आ चुका है कि मैं वो नाम बताऊं, लेकिन जिस चीज का वक्त आया है उसे कहते हैं ब्रेक. हमें लेना है यहाँ एक छोटा सा ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद, जिसके बाद हमारे विनर की अनाउंसमेंट होने वाली है, तमाशा सीजन 2 ग्रैंड फिनाले. दिल थाम के बैठिए एंड स्टे विद अस. द टाइम हैज कम that I have to reveal the winner of Tamasha Season 2. And announcing the winner... And the winner of Tamasha Season 2 is... Is... Is...
Welcome back to Tamasha Season 2 Grand Finale, presented by Bright, powered by Kashmir Banaspati and Cooking Oil, Dolins and Wheat. इससे पहले कि तमाशा सीजन 2 का विनर अनाउंस हो, मैं चाहूंगा बादशाह सलामत आए ना, अपना काम करें ना। सो विनर से पहले मैं सबसे पहले अपने स्पॉन्सर्स का थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, ब्राइट, कश्मीर, डॉलेंस एंड वीट। इनके सपोर्ट से हम आप तक इतना बड़ा शो लेकर आए हैं, सो थैंक यू वंस अगेन सो मच इंटरेस्टिंग अस। मैं एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिनका शुक्रिया अदा करे बगैर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, वो है ए आर वाई ग्रुप के सीईओ मिस्टर सलमान इकबाल साहब। ए आर वाई डिजिटल एक वाहिद चैनल है जिसमें सिर्फ ड्रामे नहीं होते, रियलिटी शो होते हैं, गेम शोज होते हैं, मॉर्निंग शो होता है और एक ऐसा शो होता है जो कई सालों से चलता आ रहा है। इट्स अ कंप्लीट चैनल एंड कहना गलत नहीं होगा, इट्स अ कंप्लीट फैमिली चैनल। तो सलमान इकबाल का एक और शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि यू हैव द विजन टू ट्रस्ट योर टीम टू ऑर्गेनाइज सच ए बिग शो, शो ऑफ दिस मैग्नीट्यूड जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है, जिसका नाम है तमाशा। पाकिस्तान में बिग ब्रदर का नाम है तमाशा। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि इट्स एन अडेप्टेड शो एंड इट्स एन ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ बिग ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैनर्जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब हम उसी साख पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ दुनिया भर में बिग ब्रदर हो रहा है। सबके अलग अलग नाम है और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका नाम तमाशा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तमाशा सीजन 2 ख़त्म हुआ है तो तमाशा सीजन 3 भी आएगा। ओह, इससे पहले कि मैं सीज़न 3 की बात करूँ, मज़ेदार बात यह कि मैं आपको इंडिया से अपने एक फ़ैन की बात बताऊँ। बकौल उनके कि पाकिस्तान का तमाशा इनके बिग बॉस से ज़्यादा अच्छा है। वाह, एंड आई हैव टू मेक दिस अनाउंसमेंट, अगले साल तमाशा सीज़न 3 बड़ा और बेहतर होगा। मतलब 50 दिन नहीं होंगे बल्कि पूरे 60 दिन का तमाशा हो। शैल वी गेट ऑन विद द बिजनेस नाउ? एब्सोल्यूटली। एंड नाउ द टाइम हैज कम दैट आई हैव टू रिवील द विनर ऑफ तमाशा सीजन 2। आप दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों मेरे साथ आ जाएं। थैंक यू मोहिब जी। सर श्री मोहिब के लिए बहुत सारी तालियां। Thank you. This finale wouldn't have been possible without your support. Thank you so much. आप इधर आ जाएं। आज एक विनर है और दूसरा भी विनर है। इंटरेस्टिंग बात आपको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले दिन से एक ऐसा था, पहले हफ्ते से लेकर पांचवें हफ्ते तक लीड कर रहा था और दूसरा कंटेस्टेंट ऐसा था कि जो उसके बिल्कुल अगर वो 19 है तो वो 20 पे होता था या 20 पे होता था तो 19 पे होते थे। बड़ा मुश्किल फैसला था बहुत ही। और फिर क्या हुआ कि आखिरी सिर्फ 2 हफ्ते आए तो उसमें गेम थोड़ी सी चेंज हुई। अब वो क्या चेंज हुई गेम? जो दूसरे थे कंटेस्टेंट थे वो आगे निकलना शुरू हो गए और जो जीत रहे थे वो नीचे जाने लगे। ये अजीब था। काफ़ी लोगों ने हमसे ये शिकायत की, शिकायत तो मैं नहीं कहूँगा, जैसे मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ आप आवाम बादशाह हैं, आप जो भी कहेंगे सही है। मगर मेरा ये कहना, प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है
अगर आप ऑब्जेक्ट का जिक्र कर देंगे और सब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। तो जब तक आप वोट नहीं कर रहे और कमेंट्स पहले कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। पहले वोट फिर कमेंट। आपका वोट ही इनको यहाँ तक लेकर आया है। अगर आप वोट ही नहीं देंगे और कमेंट करते रहेंगे कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एनीवेज, एनी गेसेस कौन इस सीजन टू का विनर है बताएं भाई। तो क्या लगता है जुनेद, हरूबा, दोनों या दोनों नहीं? राना तुम या ना आना। अब मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि वो वक्त आया है कि आप दोनों ने अपनी स्पीच तैयार की होगी। आपने कहा था आप फिल्मी बोलेंगी, तो फिल्मी लेडीज फर्स्ट, तो आप प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अपनी अम्माम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे पसंद किया, इतना प्यार दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं ARY टीम को शुक्रिया करूँगी, अदनान सर का, जीजी सर का, और अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, और यहाँ पे मेरे नए दोस्त बने जिन्होंने मुझे हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और मेरे लिए यही जीत है कि मैं यहाँ तक हूँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 50 डेज हमेशा याद रहेंगे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छे लोगों से मिला मैं यहाँ पे, और ये 50 दिन मेरी ज़िंदगी में मेरी एक नई ज़िंदगी है ये वाली। इसके बाद मैंने एक ज़ीरो से शुरू करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले अपनी फैमिली का, मेरी वाइफ शजिया का। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ARY नेटवर्क वालों का, तमाशा की पूरी टीम का। यहाँ से मैं बहुत सारी यादें लेके जा रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे दोस्त लेके जा रहा हूँ, और बहुत सारी अच्छी आदतें लेके जा रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे रहना, बहुत ही टफ़ यहाँ पे लोग हैं, पता नहीं कैसे रह पाऊँगा अपनी फैमिली के बगैर, और वो कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरा ये चलता रहता था, और मिड में जाके बहुत मुश्किलात भी हुई, मैं बहुत इमोशनल हुआ इस पर। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ के वक्त की पाबंदी मैंने सीखी। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके सीखी वो है खाने की कदर, कि हम लोग खाने को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम लोग कहते हैं यार हम ये खाएंगे तो पेट भरेगा, ये खाएंगे तो पेट भरेगा, लेकिन जब यहाँ पे आके हमें दाल चावल, एक रोटी, एक चाय का कप ये भी मिलता था, तो तब पता चला कि हम इस चीज़ पर भी गुजारा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी इनको नहीं मिलता। फिर उसके बाद रिश्तों की अहमियत का पता चला कि रिश्ते कितने अहम होते हैं। हम वैसे तो जब साथ में होते हैं तो इतनी कदर नहीं करते इनकी, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग शूट में बिजी होते हैं, कभी कॉल आ रही होती है तो हम कह देते हैं यार बाद में सुन लेंगे, लेकिन जब यहाँ आके हमसे फ़ोन ले लिया गया, हमारी बात नहीं हुई, तो तब पता चला कि रिश्ते क्या होते हैं। यहाँ पे आके मैंने बादशाह सलामत से जो चीज़ सीखी है, जिसकी वजह से आज और अभी तक ये हार्ट थ्रोब है पूरे हमारे नेशन के, पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया है, वो है डिसिप्लिन। मैंने इनसे बाकी सबसे बहुत अच्छी चीज़ सीखी, यहाँ पे इतने टैलेंटेड हैं जैसे अली भाई हैं, इनसे के एंटरटेन कैसे किया जाता है, दानिश भाई से सीखा, एक्टिंग मैंने सीखी यहाँ पे, उमर शहजाद जो हमारे फैजान है यहाँ पे, तो हर किसी में नया टैलेंट मैंने देखा, इतने ज़बरदस्त लोग थे, इनसे हर अच्छी आदतें ली मैंने यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो मैं आते यहाँ से लेके जाऊँगा मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूँगा और एक बेहतर इंसान बनूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक नए जुनेद से मिलाया है। मैंने यहाँ पे रह के अपनी गलतियाँ सीखी कि मुझ में क्या खामियाँ हैं, मुझ में क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, तो इंशाल्लाह मैं इन कमियों को दूर करूँगा, एक बेहतर इंसान बनूँगा और ये सबको नज़र भी आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। शीशी
एक चीज तुमने और सीखी, जुनैद से लंबी स्पीच। जुनैद से नहीं, उमर से। उमर से। ये मौका आ गया है कि ये अब मैं ट्रॉफी उसके हाथ में थमाऊंगा जो तमाशा सीजन 2 का विनर है। वंस अगेन वुड लाइक टू थैंक माय स्पॉन्सर्स। ये है तमाशा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, डॉलेंस एंड बीट। This is Basha Salamat signing off, last time from season 2, and announcing the winner. And the winner of Tamasha season 2 is Aruba Mirza. देख तमाशा, 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 सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। चल बेटा चल हो जा तैयार, इत्थे तेरा नहीं कोई यार, टेंशन ली हो का बीमार ना, तेरी किस्मत होगी पार, खेल खेल में कर दे पार, पीछे पलट के देखना यार, जो डर गया वो मर गया, तेरी जीत में है उनकी हार। एक बार अब किस पे न कर ले, चाहे कोई तेरे हाथ पैर फाड़ ले, डोंट यू डेयर, नहीं खेलेगी फिर, तेरी हर सीक्रेट को करेंगे शेयर, देख तमाशा, इनका प्यारे करीना ट्रस्ट सब पे सारे, सोच समझ के जरा बच बच के, डस गया जो देख।